श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की वड्डी जित ओ मैच जिहड़ा पाकिस्तान हरिया होया सी ओ किवें जितया कौन है अब्दुल्ला शफीक जिन्हें पाकिस्तान की टीम नू मैच जिताया कि पाकिस्तान नू मिल गया है नवा राहुल ड्रैविड तुहानू दसांगे अज दी क्रिकेट अपडेट्स दे विच। सत श्री अकाल, नमस्कार ते अस्सलाम अलैकुम। तुसी वेख रहे हो इंडोस टीवी ऑस्ट्रेलिया ते मैं तुहाडा मेज़बान नासिर अली। नाज़रीन, सब तो पहला ते इक्को ही खबर ते गल करांगे क्रिकेट अपडेट्स दे विच, ते ओ वे कि पाकिस्तान ने एक नाकाबले यकीन ते हारिया होया मैच श्रीलंका दे हथों खोलिया। आख्या जा रहा सी कि चौथी इनिंग्स दे विच पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जिहड़ी हैगी है वह रेत की दीवार साबित होएगी, क्योंकि बाबर आजम आउट हो गए सी। ते फिर की होया, अगर बाबर आजम आउट हो गए सी ते बाबर आजम जिन्हों समझते ने राहुल ड्रैविड़, उन्होंने पाकिस्तान की टीम नू ना सिर्फ संभालिया बल्कि पाकिस्तान नू एक तारीखी फतह भी दिलाई। तो इस जित दे नाल ही बहुत सारे रिकॉर्ड जड़े ने वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम दे नाल जुड़ गए ने। ये रिकॉर्ड कहड़े ने असी बाद चो चर्चा करांगे। सब तो पहला असी गल करते हैं कि पाकिस्तान ने किवें मैदान मारिया। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ होने वाले पहले टैस्ट के जो पहली इनिंग्स 218 स्कोर से पूरी पाकिस्तान की टीम आउट हुई, तो उस पहली इनिंग्स 85 स्कोर से 7 खिलाड़ी भी आउट सी, जिदे विचों 5 खिलाड़ी जिहड़े सी उह श्रीलंका के खब्बे स्पिनर जयसूरिया ने किए सी। उही जयसूरिया जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ही टैस्ट 12 खिलाड़ियों आउट किया, पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग्स 5 आउट करके ते एक वारी ये फिर साबित हो गया कि पाकिस्तान की टीम चौथी इनिंग्स दे विच अगर 250 दे टारगेट दे मगर भी गई तो नाकाम होगी। तो श्रीलंका ने दूजी वारी दे विच बड़ा अच्छा खेड पेश किया, 337 स्कोर किए, 4 स्कोर की लीड के नाल श्रीलंका 341 की लीड हो गई, यानी कि पाकिस्तान 342 रन का वड्डा पहाड़ जिन्ना टोटल मिलिया। तो इस टोटल नू चेज करन लई जो तो बाबर आजम भी आउट हो गए, एक्सपीरियंस अजहर अली का भी जवाब दे गया, इमामुल हक भी स्टंप आउट हो गए, तो समझिया ही जा रहा सी कि आखिरी दिन पाकिस्तान दियां विकटां जिहड़ियां ने वो रेत दियां दीवार साबित होणगियां या खुश्क पत्तियां दी तरह डिगनियां शुरू हो जाणगियां। लेकिन ये सारे दावे उदों मुस्तरद होए जदों पहले मैच दे विच जो उन्होंने टीम च खड़ाया गया सी अब्दुल्ला शफीक, जिन्हां दे नाम दे नाल पर्ची लिखिया गया सी कि सिफारशी प्लेयर ने कि सिर्फ एक फस्ट क्लास मैच खेल के मिसबाउल हक ने इन्हां नूं टीम च पा लिया, तो एक बहुत वड्डी सिफारिश तो बहुत वड्डी पर्ची है, तो अपने सारे लगे हुए दाग अब्दुल्ला शफीक ने एक वारी दे विच धो दिते। उन्होंने कल्लियां ने स्पिनर्स की विकट जिन्हों स्पिनर्स की जन्नत आख्या जा रहा सी गाल टेस्ट दी इस विकेट के उपर कल्लियां ने 68 ओवर बैटिंग करके चौथी इनिंग्स दे विच रिकॉर्ड कायम कर दिता। उन्होंने 408 गेंदां दे विच 160 दी नाकाबले शिकस्त इनिंग्स खेडी, यानी कि वह विकेट के उत्ते नट आउट रहे। पाकिस्तान के उदा 6 खिलाड़ी आउट होए सी, लेकिन अब्दुल्ला शफीक एक एंड दे डटे रहे, उन्हां दे नाल प्लेयर आंदे रहे, पार्टनरशिप्स बनदियां रहियां, लेकिन मैच समझा जा रहा सी कि पाकिस्तान लई बड़ा औखा होएगा। लेकिन बाबर आजम के आउट होने तो बाद मुहम्मद रिजवान की जिम्मेदाराना 40 इनिंग्स ने भी 40 रन जी इनिंग्स उन्होंने खेडी, उन्होंने भी मैच के बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। लेकिन अगर इस मैच की असी ओवरऑल गल करिए तो इस मैच के उपर सिर्फ एक ही नाम चमक के सामने आ रहा है, वह वे अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक ने 408 गेंदा के बिल्कुल 408 गेंदा जी एक पूरी टीम इनिया गेंदा खेडती है वो एक खिडारी ने खेडी है, तो पूरे तकरीबन 2 दिन वह विकेट के उपर मौजूद रहे ने। तो श्रीलंका की धरती के उत्ते पिछले 24 सालों के गाल टैस्ट के यानी कि गाल की विकेट के उपर जी समंदर के सेंटर एक जजीरा नुमा विकेट है वो उत्ते सब तो व्डा टोटल चेज होया है, यानी कि 342 स्कोर अज तक कोई भी टीम चेज नहीं कर सकी। पाकिस्तान ने यदा वर्ल्ड रिकॉर्ड ला दिता है कि इस
धरती के उत्ते इस ग्राउंड के उत्ते पाकिस्तान ने 342 स्कोर का चेज किया। इस तो पहले रिकॉर्ड श्रीलंका को सी, श्रीलंका ने 225 के करीब जिहड़ा सी इस विकेट से स्कोर चेज किया सी ते आख्या ही जा रहा सी कि विकेट जिहड़ी है वह प्रॉपर स्पिनर विकेट है, क्योंकि पाकिस्तान के खब्बे स्पिनर मुहम्मद नवाज ने भी 5 खिलाड़ियों आउट किया सी ते पर बाद जयसूरिया का जादू जड़ा हैगा वह मुकम्मल नहीं चलिया, सिर्फ 4 खिलाड़ियों आउट कर सके। तुसी अगर अब्दुल्ला शफीक दे इस इनिंग्स का जायजा लईए, इहदे उपर असी एनालिसिस करिए ते 7 चौके ते सिर्फ 1 छक्का है, यानी कि सिर्फ 34 स्कोर जड़ा है उन्होंने बाउंड्रीज नाल कीता है, बाकी सारा स्कोर सिंगल डबल दे नाल कीता है। उन्हां दा सबर जिहड़ा हैगा सी इह दस रिहा हैगा कि पाकिस्तान दे विच टैलेंट की कमी नहीं। असी अब्दुल्ला शफीक का मुवाजना जिहड़ा हैगा उह राहुल ड्राइवर ने एवें कर रहे कि शाइन वॉर्न ने एक बार नाज़रीन आख्या सी कि जदों राहुल ड्राइवर नूं दीवार आख्या जांदा है लेकिन जदों विकेट ते खड़े हो जाण तो दीवार नहीं बल्कि एक कला बन जांदे ने जिन्हां नूं ढाण वास्ते बंबारी करनी पैंदी है। ते बाबर आजम ने जदों अब्दुल्ला शफीक नूं टेस्ट क्रिकेट च इंट्रोड्यूस करवाया तो उन्होंने यह गल आखी कि ए राहुल ड्राइवर ने तो कदी कदी इन्हां दे विचों मैनूं केन विलियमसन की शक्ल भी नज़र आती है। तो बाबर आजम वल्लों इन्ना एतमाद करना अब्दुल्ला शफीक दे उत्ते बनता भी सी, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने एक होर रिकॉर्ड ला दिता हैगा, उन्होंने 6 टेस्ट मैचों दे विच तकरीबन 720 स्कोर करके अलीट कंपनी च आ गए है, यानी कि इस तो पहले यह रिकॉर्ड सुनील गवास्कर, डॉन ब्रैडमैन, तो उस तो बाद वैसट इंडीज़ के जोड़े प्लेयर्स है एक सबका प्लेयर उन्होंने कोल सी, तो अब्दुल्ला शफीक जोड़े है चौथे नंबर पर आ गए हैं, यानी कि 6 टैसटों के बाद 720 के उपर स्कोर करके अब्दुल्ला शफीक ने एक नवा रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाकिस्तान ने यह टैसट जितने तो बाद वर्ल्ड टैसट चैंपियनशिप भी अपनी पोजिशन मजबूत कर ली है। दूसरे टैसट हूँ की होएगा यह आने वाला वेला ही दसेगा, उन्नी देर तक सूँ इजाजत देवो, वेखते रहो इंडोज़ टीवी ऑस्ट्रेलिया।